हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कहानी स्टार यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, इस कहानी में जो नाम प्रयोग में लिए गए हैं ये काल्पनिक हैं, लेकिन ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, इस कहानी में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं कहानी पर। एक समय की बात है, एक बाबा जी एक स्थान पर रहा करते थे, उनके एक चेला था। अब चेले के मन में एक प्रश्न काफ़ी दिनों से घूम रहा था और वो मन में सोच रहा था कि किसी दिन मेरे गुरुदेव से इस प्रश्न का जवाब पूछूंगा। एक दिन उस चेले ने अपने गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुजी, मुझे आप बताइए कि ये त्रिया जाल क्या होता है, त्रिया जाल के बारे में मुझे थोड़ा आप बताने का कष्ट करें। गुरुदेव ने कहा कि सुनो शिष्य, मैं आपको त्रिया जाल के बारे में अवश्य बताऊंगा, लेकिन आप पहले तीर्थ यात्रा करके आइए। जब आप तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। गुरुदेव के कहे अनुसार वो शिष्य तीर्थ करने के लिए अपनी कुटिया को छोड़ करके और जंगलों में होकर के निकल जाता है। चलते चलते उसे एक रैदास जाति का इंसान मिला, एक चमार जाति का इंसान मिला। ये नाम काल्पनिक नाम है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। उस रैदास ने उस बाबा से सीताराम किया कि बाबा, सीताराम कहां पर जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन मुझे अब रात्रि होने वाली है, इसलिए मैं आपके घर पर रुकना चाहता हूँ। उस रैदास ने उस बाबा को बड़े प्रेम से अपने घर पर रोक लिया, लेकिन श्रोताओं, उस आदमी को नशे की लत थी, वो शराब का आदि था। वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुनो, मैं तो पार्टी में जा रहा हूँ, आप इस बाबा को भोजन आदि करा करके बिस्तर लगा कर सुला देना। श्रोताओं, जो रैदास की पत्नी थी वो पतिव्रता नहीं थी, वो थोड़े चालू स्वभाव की थी, इसलिए वो जल्दी से उस बाबा को खाना खिला करके सुला देती है। और वो चौपड़ पासे का खेल खेलने के लिए रात में जाने का प्लान बनाती है। वो अपने मन में सोचती है कि मेरा पति तो यहाँ पर है नहीं और मैं रात में चौपड़ पासे खेलने के लिए जाती हूँ। लेकिन उसके मन में एक वहम आया कि बाबा जी को क्या बताऊँगी, ये तो मेरे पति के आते ही मेरी सारी पोल खोल देगा। उस रैदास की पत्नी की एक दोस्त थी, एक सहेली थी, वो थी नाय की पत्नी, जिसे नायन कहते हैं। वो दोनों ही चरित्रहीन थी, वो रात्रि में चौपड़ पासे का खेल खेलने के लिए जाती थी। श्रोताओ, जैसे ही वो रैदास की पत्नी बाबा से कहने लगी कि हे बाबा, पड़ोस में मेरी जो सहेली है वो बीमार है, मैं उसका समाचार इत्यादि लेकर के आती हूँ, आप आराम से इस खाट पर सोइए। वो वहाँ से चल देती है चौपड़ पासे का खेल खेलने के लिए, लेकिन बाबा जी की रोटी बनाने में उसको देर हो गई। इतनी देर में वो जो रैदास थे वो शराब आदि पी करके और पार्टी से वापस लौट रहे थे। जैसे ही उसकी पत्नी ने उन्हें आते हुए देखा, वो तो शराब के नशे में थे, तुरंत वो वहाँ से वापस लौट जाती है। और वापस लौटते वक्त उस रैदास की निगाह अपनी पत्नी पर पड़ जाती है और वो उसके पीछे ही दौड़ने लगता है। वो आगे आगे दौड़ती हुई तुरंत अपने घर में आकर के घुस जाती है। पीछे से रैदास आकर के घुस जाता है और कहने लगता है कि तू कहाँ पर गई थी? वो बोली, मैं कहाँ पर गई थी, मैं तो यहीं पर थी, बाबा जी को भोजन करा करके अभी फ्री हुई हूँ, आप मुझ पर संदेह कर रहे हो, मैं कहीं पर भी नहीं गई थी। लेकिन वो नहीं माना और बात ही बातों में उनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। उस रैदास ने अपनी पत्नी को एक नीम के पेड़ से बांध दिया और कहने लगा कि बता तू सत्य सत्य कहाँ पर गई थी? वो बोली कि आप कुछ भी करो, मैं कहीं नहीं गई थी और मैं बिल्कुल पतिव्रता हूँ। अब श्रोताओ, वो नशे में तो था ही, उसको तो बांध दिया पेड़ से और खुद को आ गई नींद। रात्रि के जैसे ही 1-1.5 बजे का समय हुआ तो जो नायन थी, जो उसके साथ में चौपड़ पासे का खेल खेलने जाया करती थी, वो अपने मन में सोचने लगी कि मैंने तो चौपड़ पासे का खेल खेल लिया है, लेकिन जो मेरी सहेली थी रैदास की पत्नी, वो आज क्यों नहीं आई?
चलो उसके घर जाकर के देखना चाहिए कि क्या मैटर है। वो चोरी छुपे उसके घर पर आकर के पहुंचती है तो देखती है कि रैदास की पत्नी तो बंधी हुई है पेड़ से। वो तुरंत चुपचाप उसके कान में आकर कहने लगी कि क्या मैटर है, क्यों बांध दिया तेरे पति ने तुझे। रैदास की पत्नी उस नायण को सारी बातें बता देती है। तभी नायण कहने लगती है कि सुनो, आपका पति तो शराब के नशे में बेहोश है, गहरी नींद में सोया हुआ है। मैं तो चौपड़ पासे का खेल खेल करके आ चुकी हूँ, अब मैं आपको खोल देती हूँ। आप चौपड़ पासे का खेल खेलने चले जाना और आपकी जगह पर मुझे बांध देना। रैदास की पत्नी ने उस नायण को अपनी जगह पर बांध दिया और स्वयं चले गई चौपड़ पासे का खेल खेलने के लिए। ये सारी बातों को जो बाबा जी सोया हुआ था उसको नींद नहीं आ रही थी, वो देख रहा था कि क्या त्रिया जाल चल रहा है। अब क्या हुआ श्रोताओं, रैदास की पत्नी तो वहाँ से चली गई और नायण उस पेड़ से बंध गई। 3 बजे का वक्त हुआ, थोड़ा नशा उतरा रैदास जी का तो तुरंत वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब भी बोल जा कि तू कहाँ पर गई, मैंने तुझे मेरी आँखों से देखा है, यदि तू नहीं बोलेगी तो मैं तेरी नाक काट लूँगा। श्रोता वो नहीं बोली, वो सोचने लगी कि मैं बोलूँगी तो मेरी आवाज़ को सुनकर के सारी पोल खुल जाएगी। जब वो नहीं बोलती है तो रैदास ने चाकू से उसकी नाक को काट लिया। नाक काटने के बाद में अपने मन में सोचने लगा रैदास जी कि अब तो इसकी नाक कट गई है, अब तो इसे सुबह ही खोलूँगा, ये बोलेगी तो ही इसे खोलूँगा वरना नहीं खोलूँगा, और दोबारा से सो जाता है। उधर वो रैदास की पत्नी चौपड़ पासे का खेल खेल करके रात्रि में करीब 4:30 बजे के समथिंग उस नायण के पास में आ जाती है। तो नायण उसे देखकर कहने लगती है कि सुनो सहेली, मेरे साथ में तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तुम्हारे पति ने मेरी नाक काट दी है, अब मुझे तुम जल्दी खोल दो और मेरी जगह पर मैं तुम्हें बांध देती हूँ। रैदास की पत्नी उस नायण को खोल देती है और उसकी जगह पर नायण रैदास की पत्नी को ही बांध देती है और नायण वहाँ से भाग जाती है। जब सुबह के 5 बजे तो फिर से रैदास जी को चेत हुआ और कहने लगा कि अभी भी बोल जा वरना अभी तो तेरी नाक काटी थी, अब मैं तेरे कान भी काट लूँगा। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं, मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, हे सूर्य नारायण, मैं आपकी सौगंध खाती हूँ कि यदि मैं पतिव्रता हूँ और मैंने मेरे पति के अलावा सपने में भी किसी दूसरे पति का सोचा हो तो मेरे नाक कान बिल्कुल भी ना जुड़ें, और यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मेरी नाक पुनः जुड़ जाए, मेरी नाक पुनः ठीक हो जाए, मैं आपसे विनती करती हूँ। वो सारी देवी देवताओं को सुमर करके और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि सुनो पतिदेव, आपने मुझ पर झूठा शक किया था, देखो मेरी नाक तो पुनः लग गई है, मैं तो सती निकली, मैं तो पतिव्रता निकली और मेरी नाक आपने रात में काटी थी, अब देख लो मेरी नाक पुनः उसी स्थान पर लगी हुई है। ऐसी बात सुनकर के रैदास जी का सारा नशा उतर गया और उसने देखा तो वास्तव में उसकी तो नाक जुड़ी हुई है। तभी वो हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे महारानी, आप तो देवी हो, आपके समान सती तो इस दुनिया में कोई नहीं है, आप तो पूरी चरित्रवान हो, मैंने वैसे ही आप पर इतना बड़ा शक किया और इतना बड़ा पाप किया। हाथ जोड़ करके वो रैदास अपनी पत्नी के चरणों में पड़ जाता है। अब इस सारी कहानी को वो बाबा जी अपनी आँखों से देख रहा था कि कितना बड़ा त्रिया जाल चल चुका है। आगे की कहानी में सुनिए श्रोताओं, कितना मजा आने वाला है। उधर जो नायक की पत्नी थी नायक, वो अपने घर पर कटी हुई नाक को लेकर के पहुंच गई और रात्रि में जो नायक था वो किसी राजा के यहाँ लगन झिलाने के लिए गया हुआ था और तुरंत राजा के आदेश पर वो अपने घर पर गया और अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा कि मेरी जो दाढ़ी बनाने की पेटी है, आप उस पेटी को घिता दो, आप उस पेटी को मुझे दे दो, मैं राजा के महल में सभी की सेव करने जा रहा हूँ, सभी की दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास में समय नहीं है। अब नायक की पत्नी उस नायक को हजामत बनाने की पेटी को नहीं देती है, सिर्फ उस्त्रा दे देती है। उस्त्रे को अपने हाथ में लेकर के नायक को क्रोध आ गया और उससे बोलने लगा कि मैंने तो उसे पेटी मांगी थी और तूने सिर्फ उस्त्रा दिया है। वो वापस दरवाजे के बाहर से ही उस्त्रा उस नायण के ऊपर फेंक देता है।
और नायन के ऊपर जैसे ही उसने उस्त्रा फेंका तो नायन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे पापी, तूने मेरी नाक काट दी। इतनी जोर से उस्त्रा फेंका है कि मेरी तो नाक ही कट गई। अब तो मैं राजा से तेरी शिकायत करूंगी। जब अपनी पत्नी की नाक को कटा हुआ देखा तो नाय के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मेरी ही पत्नी की नाक कट गई। वो रोती हुई राजा के महलों में पहुंच जाती है और अपने पति की सारी शिकायतें राजा के सामने पेश कर देती है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि नाय को पकड़ा जाए और उसे सूली पर चढ़ाया जाए। श्रोताओं, इतनी देर में जो बाबा जी था, जो सारा दृश्य अपनी आंखों से देख चुका था, वो वहां होकर के गुजर रहा था। उसने जब राजा के दरबार में इतनी सारी भीड़ देखी तो वो भी रुक गया और उसने सारा मामला समझ लिया कि मामला क्या है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बता दिया कि नाय ने अपनी पत्नी की ही नाक काट दी। अब तो वो बाबा जी राजा के महल में दाखिल हुआ और राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि सुनो महाराज, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की अगर मैं जान बचा देता हूँ तो एक तीर्थ करने के बराबर होगा। इसलिए हे राजा, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ। उस बाबा जी ने राजा के सामने सारी आंखों देखी कहानी राजा को सुना दी और कहने लगा कि आप उस नायन और उस रैदास की पत्नी को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि सत्य बात क्या है। राजा ने तुरंत रैदास की पत्नी और उस नायन को वहाँ पर उपस्थित कराया और उनको रिमांड पर चढ़ाया। जैसे ही रिमांड लगाया गया तो रैदास की पत्नी ने और नाय की पत्नी ने जो सारी सत्य बात थी वो राजा के सामने उगल दी। जब राजा ने उन दोनों की बातें सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गुरु के चेले को भी त्रिया जाल समझ में आ गया और उसने एक इंसान की जान बचाई, इसलिए वो समझने लगा कि अब तो मेरा तीर्थ पूर्ण हो चुका है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि एक इंसान की जान बचाना एक तीर्थ के बराबर होता है। अब मुझे पुनः मेरे गुरु के पास वापस मठ में चलना चाहिए। वो नाय की जान को बचा करके पुनः अपने गुरु के पास में आ जाता है और अपने गुरुदेव के चरणों में पड़ जाता है। कहने लगता है कि हे गुरुदेव, वास्तव में आपने ऐसी लीला दिखाई है, ऐसा त्रिया जाल दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ये त्रिया जाल मैंने मेरी आँखों से देखा है, इसलिए हे श्रोताओ, त्रिया जाल बहुत बड़ा जाल होता है। इस जाल को समझ पाना हर किसी इंसान के बस में नहीं है। मेरा आप सभी श्रोताओं से और माता बहनों से यही निवेदन है कि कभी भी अपने पति के साथ में ऐसा धोखा ना करें, क्योंकि हर धोखे का अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अपना पति जैसा भी हो, बाहर रहता हो या घर में रहता हो, कभी भी त्रिया जाल वाली बात उसके सामने नहीं आने चाहिए। अपने सीधे स्वभाव में अपने घर परिवार को बांध कर चलना चाहिए। आशा करता हूँ इस कहानी में आपको बहुत आनंद आया होगा और बहुत बड़ी शिक्षा भी मिली होगी। जय हिंद, जय भारत।